इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पानी के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा भवन के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है पिछले काफी समय से, और चूंकि दिल्ली में मॉनसून देरी से आएगा इसलिए एक महीने के लिए पानी की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है जो हरियाणा हथनी कुंड बैराज से दिल्ली आ सकता है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं आने दे रही है, और हिमाचल के अलावा दूसरे कनाल से आने वाला 200 क्यूसेक पानी भी रोक रही है। राजधानी दिल्ली में पानी के सप्लाई के मुद्दे पर किस तरह से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंडी हाउस में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं और जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और हाथों में तख्तियां अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर आपको लगेगा कि सीधा सीधा निशाना है हरियाणा सरकार पर, बीजेपी पर। क्या मांग है यहाँ पर, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल्ली के नागरिकों के लिए पानी की समस्या है, आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि दिल्ली की जनता को पानी दिया जाए। दिल्ली की जनता में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी कार्यकर्ता, सभी जनता दिल्ली में रहते हैं, पूरी कंट्री के लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। तो हम अपील करते हैं हरियाणा सरकार से कि दिल्ली में पानी छोड़ें और दिल्ली की जनता को पानी दें। कहा जा रहा है कि पूरा पानी मिल रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि पूरा पानी मिल रहा है। नहीं मिल रहा पानी पूरा, आप देखते हो 3-4 दिन से सब कुछ बंद पड़ा है और हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, और इसलिए जो आज के बीजेपी सरकार है ये सब कुछ बंद करवा रही है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल आंकड़ों की हीला हवाली की जा रही है, पूरा पानी हरियाणा सरकार से मिल रहा है, अव्वल तो पानी की बर्बादी भी हो रही है, और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के लोगों को इस तरह की दिक्कत आ रही है। लेकिन साफ है कि जिस तरह से पानी की डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक उसी तरह से जो राजनीतिक तापमान है, जो आरोप प्रत्यारोप है, वह लगातार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार चल रहा है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह से पानी दिया जा रहा है, आने वाले वक्त में उस पर सियासत और ज्यादा हो सकती है। सचिन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। वहीं पानी के इसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्री आज एलजी से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एलजी को जल संकट की जानकारी दी और हरियाणा से पानी दिलवाने में मदद की मांग की। के पानी की कमी है दिल्ली में, आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है, तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं, और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है कितना हमारा हक नहीं है, उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली में पानी की कमी है, अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है, अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। तो हम तो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिल्ली वालों की तरफ से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली की समस्या का समाधान।